Namaste and Jayashi to all of you. Um, we are towards uh, <clears throat> the end of Vinayakhand and this segment uh, number 56. The title is Sevak Bhi to Sanghelaya. So Guruji is talking about uh, Swami Chandarmonji. Then, after that, he is giving us a beautiful example of another Bhagat. Uh, his name actually is known in the Bhagat Mandali is uh, Tatwale Baba because he was so simple and his determination to find a guru and find God was so strong that he discarded everything. In fact, he just wanted to. He was about to jump into Ganga. He wanted to just. He said, "I cannot see God. I cannot find Guru. So this body is useless." and at that time Prabji showed him the path so tatvali baba that's how he's known by so sometimes when we read about the devotion of these bhagats our own devotion gets kindled that is the beauty of it so whether from bhagavad puran or ramayan or this Yog Ramayan Ramayana; these are all great scriptures, and especially Guruji has written this in a, such a simple Hindi, which we all can understand. But ultimately, we got to see that hey, we want to be Bhagat too. Knowledge is needed; practice we need to do. But ultimate goal is Bhakti, love for God. Okay, so let's listen to this. मंगल भवन मंगल श्री राम मूलख प्रभु जग सुख की नंबर फिफ्टी सिक्स सेवक भी तू संग संघ लाया दोनों हरते ताप को उनका सम प्रताप एक हरत तन ताप को दूसर मन का ताप श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम श्री सत गुरुदेव जी की जय शरणम नियम विधाता का पर ऐसा काल रहे ना एक सा जैसा पूर्ण चांद भी अस्त हो जाए अंधकार जगती में छाये भयंकर काल विधाता लाया भूखा चांद अस्त हो पाया भक्तन मन अंधेरा छाया क्या भया को जानन पाया एक बात सेवक कह पाया अपने मन का भाव जताया और विनय मन ही मन कीनी राम प्रभु जो थी सुन लेनी हे प्रभु यही विनय पुकार कृपा कर कर लो स्वीकार व्योम में चमके जब तक चांद अमर रहे यह का चांद चंद्र तेरे संग था आया सेवक भी तू संग है लाया और अनेकों तेरे दास राखो जिनको अपने पास ऐसा ही एक दास तव जिसका करू बखान सफल किया नर देह को रहे सदा तव ध्यान माला गढ़ में वह उपजाया शिव दयाल पांडे घर आया नारायणी थी मात सुभागी प्रभु भक्ति मे पागी वी थारघुनाथ बालक का नाम। जिसने करना था बहु काम तीन वर्ष की जब आयु भई माता स्वर्गवासी हो गई उच्च कुल में तो था उपजाया देववश सुख वह देख न हठ दस वर्ष का था जब बाल कृषा पिता को भी तब काल भाई बहन भी स्वर्ग सिधारे मन में सतब रघुनाथ विचारे जीवन का है क्या विश्वास निकल जाए यह पल में श्वास किस है तू है देह धारा अब से करूँ मैं यही विचारा ज्ञान गुरु से सदा जन पाए ऐसा गुरु किस जा मिल पाए त्याग जगत के सारे काम खोजू मैं अब गुरु का धाम देश दिशांतर भट्ट का गुरु का खोजन हार गुरु पाया रघुनाथ ना निराश अपार ढूंढ दृढ़ संकल्पी बाल था दृढ़ तम जो गुरु मिले न इस जीव काल मासात में चलांग गंगा गोद लु रहे अज्ञानी जीना व्यर्थ गुरु पा समर्थ चेत् मे धार विचार अगाद। व्रत चान्द्रायण लीना साध मा सा काल जब आ। आया पास पूजी नहीं फिर भी जब आस खड़ा भया वह गंगा के तीर फैकने को निज गंग शरीर प्रकटे दू में तभी भगवान करने को निज बाल का त्राण दिव्य ध्वनि से नाथ पुकारा हे बालक मत बन हत्यारा मैं तुझे निज संग हूं लाया प्रकटाब तुझ पर कर दाया मेरे धाम अभी चल जाओ ऋषि केश जाकर रह पाओ नभ की ध्वनि स्पष्ट थी चौकासुन रघुनाथ बैठ गया मुख मोड़ वह कहा धन्य तुम पूरी मम साध तुम पाया गुरु भगवान शिरोधार्य तव वचन कर अभी करू प्रस्थान रघुनाथ चला ऋषिकेश की ओर ढूंढे जा सदगुरु कठोर स्थान वहा उस जा बहु देखे सदगुरु का तो चिन्ह न पेखे निराश भयावे जब रघुनाथ ना कृपा तब सद गुरुनाथ अपना भेद बताया आप कृपुरु कृपा बिन ना होत मिला प्रभु ने प्रेरा आश्रम और योग का आश्रम था जिस ठोर योग साधन आश्रम में आय एक आकर्षण पाए, भीतर उस मूरत देखी राम प्रभु की प्रतिमा देखी जान लिया यह वही भगवान काशी में जिनकी नात्र आते नहीं अदिये उस काल मैं समाता काल की गाल मिलू कहा जाय प्रकट जिज्ञासा वह कर पाए प्रभु का सेवक था खड़ा उसे उससे की सवाल क्या मुझे बतलाओगे किन का यह आकार कहाँ मिलू मैं जाय कर किधर आ है किधर आवास आया हूँ मैं दूर से इनको मिलने खास प्रेम सहित भक्त कह पाया तुमसे मैं हूं जो सुन पाया उसका उत्तर मैं दे पाऊ बात संपूर्ण मैं समझ ये है रामलाल भगवान वनो में की नायन प्रस्थान मुलख राज इनका प्रतिरूप रखते निज को जो है गूप उनका है इस काल निवास छेड़ा आश्रम में ही खास उनको मिल सब खुलेगा भेद और मिटे तब मन का खेत अमृत सर प्रथम जा पावो फिर छे हर ठे को चल जाओ रेल स्टेशन के ही के ही पास प्रभु का आश्रम बना है खास सेवक की सुन बात को चल पड़ा रघुनाथ उसके मन प्रतीत थी बुला रहे हैं ना धाम चेहर उस देखा संतोष भया उस मन विशेषा मुल्ख राज के दर्शन की कर दनवट उस आशीष लीन मुल्ख राज है राम का रूप उस पहचानी बात यूप मुल्ख ने वही ठहराया सेवा कारज में दिया लगाए रहे वहां सेवा भक्ति लीन रघुनाथ वहां था सुख आसीन सीखा उसने योग अभ्यास मुल्क राज के रह कर पास नेती धोती आसन सारे उसने सिद्ध सभी कर डारे सेवा एक भई उपकारी पढ़ता था जो डाक वसारी मुलख राज को पात्र सुनाता उत्तर भी वह ही लिख पाता अनुभव भक्तों के जो खास ज्ञान मिला उसे रह कर पास भक्त जनों के ध्यान को पढ़ पढ़ कर रखना चीत जमी उस बात यह है, है प्रभु आदिना राम प्रभु को उस पहचान शिव का रूप राम को मान इष्ट रूप वह शिव को ध्याता राम उसे शिव में दिख पाता प्रभु की प्रतिमा लगती प्यारी पाए गुरु उसने पापारी राम को ही वह गुरु कर माने इष्ट राम को ही पहचाने राम था उसका नाथ पुकारत राम को वह कहना दिन रात वह प्रभु को ध्याए श्रद्धा से धनवट कर पाए उसकी मास्ती को जो देखे भक्त शिरो मन उसे उल्लेख मुलख राज की कृपा पाए अनुभव उसने बहु कर पाए उस मस्ती के माध्य में सुनी राम की बात लला तुझे अब ले चले ग्राम सवाई तात मस्ती के ही माध्यम में आ गया वह ग्राम बाग गुरु के जाय कर प्रतिमारा गिरा वहा पर आय कर समाधि में होली भक्त शिरो आ गया लीना सभचन चीन आये चंद्र मोहन जी लीना कंठ लगाये दो भक्तो का मिले देखन बहुत सुहाय श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम् श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम् चंद्र मोहन को मिला सहाय मित्र रूप वह वहारह पाय। प्रभु का कार्य करे वे दो सीखे योग जो आवे कोई कई वर्ष उस महा गुजारे लागे सेव भक्ति में सारे आश्रम का रूप सवारा गाँव गाँव जा योग प्रचारा कठिन साधना में मन दीन व्रत उपवास उस बहुविध कीन देह से उसको भया विराग वस्त्रों को उस दीना त्याग टाट का टुकड़ा तन लपेट नंगी पृथ्वी रहता लेर बाबा टाट भया प्रसिद्ध जनता माने उसको सिद जनता ने बहुदीना मान लागत भय नहीं हो अभिमान क्रोध काम मद लोग जो शत्रु जो अहंकार योगी का धन लूट ले ऐसे ये बदकार रघुनाथ को था योग प्यारा प्रभु जी का था उसे सहारा अपना लाभ इसी में जाना सवाई छोड़ बहे हुआ रवाना जग के मान से रह कर दूर प्रभु भक्ति में रह कर चूर साधन योग सदा कर पाए मानव जीवन सफल बनाए ऐसा कौन सा स्थान वह होय परम शांति को चित जहाँ गोय जहा हो सतपुरुषों का परम परागत भी जो खास माया भी जन जहां न हो तीर्थ थल भी जहा बहुसो है ऐसा थल कहा मिल पाए भक्ति बिना कुछ नजर न आए मुझको मिले हे मेरे भगवान क्रोध का जहा परम अवसान श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम् श्री सद्गुरु देव जी की जय शरणम् మంగళ భవనా మంగళహారీ శ్రీ రామోలక ప్రభు జగ సుఖ జై శ్రీ ప్రభు